तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, वेबसाइट जैसे आप ओपन करोगे तो आपको आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं। तो आपको अपने एज अ क्वालिफिकेशन के अनुसार से आपको अपने पोस्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, और यहाँ पर सारे अपने ब्रांच को भी अपनों देख लेने हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या सारी चीज़ आपको डिस्कस किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीट एंड तक जरूर देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ आपको और जितने भी आपके अंदर डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसका जो अप्लाई करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में मेंशन करी जाएगी, तो आपको वीडियो के डिस्कशन पर जाना है। आपको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे शक्ति पंप्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, और इस कंपनी से बहुत तरह का वैकेंसी निकाली है, और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक और आपने ग्रेजुएट या डिग्री करके रखे हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपका ऑनलाइन है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट के साथ आपको बताया जाएगा आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, सारा चीज़ें आपको डिस्कस किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीट एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट बनता है हर सिचुएशन में वीडियो बनाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह से नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो वेबसाइट का जो लिंक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हो करेंट ओपनिंग, और इसमें बहुत सारे वैकेंसी निकाले अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार से। तो मैं अभी फिलहाल बात करूँगा आईटीआई और डिप्लोमा वाले के लिए। तो यहाँ देख सकते हो एमबीए के लिए भी है, बीबीटेक के लिए भी है, और भी क्वालिफिकेशन के लिए है। तो मैं अभी पर्सनली बात करूँगा आईटीआई और डिप्लोमा वाले के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर सीरियल नंबर करके दिया है, रेफरेंस नंबर। तो ये रेफरेंस नंबर आपको ऐसे पोस्ट के अनुसार से आपको देख लेना है, जब क्योंकि अप्लाई करेंगे तो आपको रेफरेंस नंबर वहाँ पर भरने के लिए आपको दिया जाएगा, तो इसलिए आपको रेफरेंस नंबर अपना नोट कर लेना है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस समय। और यहाँ पर देख सकते हो टाइटल, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपको रखा जाएगा, जैसे आप देख सकते हो एमबीए के लिए जो है रेफरेंस सीरियल नंबर एक की बात करें तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिया गया है, और टाइटल की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है, और आईबी के लिए है जिसमें आपका एमबीए क्वालिफिकेशन रखा गया है, और एक्सपीरियंस आपको इसमें किस तरह एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। और जॉब प्रोफाइल में आप देख सकते हो किस क्या आपको जॉब रहना है, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में देख सकते हो, और जॉब लोकेशन के बारे में देख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं आईटीआई डिप्लोमा के लिए किसमें क्या वैकेंसीज रहने वाली है। तो देख सकते हो यहाँ पर सीरियल नंबर 5 देख सकते हो, सीरियल नंबर 5, और यहाँ पर रेफरेंस हैशटैग 5105, और यहाँ पर जो पोस्ट है आपका ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल के लिए रहने वाला है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो आईटीआई और डिप्लोमा वाले के लिए रखा गया है, आईटीआई या डिप्लोमा या ग्रेजुएट विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, और इसमें जो रखा गया है 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन पोस्टिंग सपोर्टिंग प्रोडक्शन डेवलपमेंट टीम इन टर्म ऑफ, यहाँ पर रीड मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका और भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोटो यूनिट बिल्ड एसेंशियल फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है, आप इनको रीड कर सकते हो, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दें। तो यहाँ पर आपको जॉब जो प्रोफाइल यहाँ पर दिया गया है, जैसे आप देख सकते हो आईटीआई डिप्लोमा के लिए, तो अपने पूरा आप देख सकते हो इनको, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगा आप यहाँ पर उनको रिलेट कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपका जॉब लोकेशन की बात करें तो पीतामपुर रहने वाला आपका जॉब लोकेशन, जो कि गुजरात पड़ता है, तो आप इनको देख सकते हो। सीरियल नंबर 5 के लिए जो वैकेंसीज है उसमें आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है जैसे यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर इसका जो जॉब लोकेशन जो रहेगा आपका पीतामपुर, जो कि गुजरात पड़ता है, यानी कि जॉब लोकेशन आपका गुजरात रहने वाली है। और भी वैकेंसीज है, अगर आप बी मैकेनिकल या बी मेट्रॉनिक्स आप किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सक्यूटिव इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल के लिए निकाला गया है, और इसमें भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। और भी आईटीआई के लिए और भी पोस्ट है, चलिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक और पोस्ट है, जैसे देख सकते हो सीरियल नंबर 14 पर, तो यहाँ पर मैनेजर और मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी निकाला है। तो मेंटेनेंस के लिए आप अगर डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से,
तो आप मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें किसी तरह से एक्सपीरियंस आपको नहीं रखा गया है, सॉरी 5 साल के लिए एक्सपीरियंस रखा गया है इसमें, देख सकते हो। और इसमें जो जॉब प्रोफाइल रहेगा, मशीन शॉप इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क आपको ऑल टाइप करने पड़ेंगे। और यहाँ पर आपको जॉब लोकेशन जो रहेगा आपका पीतामपुर रहने वाला है, यानी कि गुजरात सभी का जॉब लोकेशन रहने वाला है, क्योंकि इसका जो प्लांट है आपका गुजरात में ही है, तो आपको जॉब लोकेशन गुजरात ही रहने वाले हैं। और भी अदर क्वालिफिकेशन के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो सीरियल नंबर जो 22 है। और इसका यहाँ जो पोस्ट रहेगा आपका एग्जीक्यूटिव और सर्विस के लिए रहेगा। और इसमें आपका इलेक्ट्रिकल आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो आपने अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो सीरियल नंबर 22 में। और इसका जो पोस्ट रहेगा एक्सिक्यूटिव या सर्विस के लिए रहने वाला है। और सर्विस में आपको दे सकते हो इंजीनियर मेरे यहाँ पर दे सकते हो इसमें ITI वाला भी अप्लाई कर सकते हो, जबकि यहाँ पर दे सकते हो सीरियल नंबर जो 22 है इसमें जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए रखा है, इसमें सर्विस और एग्जीक्यूटिव के लिए इसमें डिप्लोमा वाले और ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हो। आप ITI अगर आपने इलेक्ट्रिशियन से किए हैं और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो। और सीरियल नंबर 23 की बात करें तो इसमें भी डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो इसमें भी एग्जीक्यूटिव और सर्विस के लिए इसमें है, और इसमें ITI वाला भी अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो ITI वाले के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है इसमें, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। और BBTech आपने अगर कर रखे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसमें जो है दो तरह का है इसमें, चलिए बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट रिज्यूम करके एक ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर लोगो देखने को मिलता होगा, तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके इसको अप्लाई करने का जो है एक अलग पेज ओपन हो जाएगा। आपको अगर किसी तरह से दिक्कत होगा तो मैं इसका दो लिंक दे दूंगा, इसका जो भी इसका अदर नोटिफिकेशन है इसका अलग से लिंक दे दूंगा, प्लस आपको अप्लाई कैसे करना है अगर आपको अप्लाई करने के लिए कोई तरह से दिक्कत हो खोजने में, तो इसका अप्लाई करने का आपको डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड करा जाएगा वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में। आप वहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस या आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, देख सकते हो यहां पर पोस्ट रिज्यूम, और यहां पर देख सकते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे आपका फुल नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और करंट लोकेशन, मोबाइल नंबर, करंट प्रोफेशनल डिटेल्स, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको स्टेप बाय सारी चीज़ को फिल कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो फिल करने का है आपको 3 स्टेज है, जैसे देख सकते हो फर्स्ट स्टेज में आपको फिल करना है, देन इसके बाद वो कम्प्लीट होने के बाद दूसरा स्टेज फिल करना है, देन इसके बाद आपको थर्ड स्टेप पूरा करना है। इस तरह से थर्ड स्टेज पूरा करने के बाद आपको फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई तरह से दिक्कत होगा तो प्लीज़ मुझे वीडियो को कमेंट्स करके कमेंट्स जरूर करें ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। और इसका भी अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा और अप्लाई करने का भी लिंक वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको हेल्पफुल जरूर लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।